SMZ News, खबर नहीं आपकी आवाज। कोरोना वायरस की महामारी के दौरान सिर्फ एक नाम जिसकी चर्चा लोगों की जुबान पर है। इस दौर में जब प्रवासी मजदूरों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है और पैदल ही अपने राज्यों के लिए निकल पड़े हैं, तो ऐसे में अभिनेता सोनू सूद लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। और मसीहा बने सोनू सूद बस और फ्लाइट के बाद अब प्रवासी मजदूरों को ट्रेन से घर भेज रहे हैं। तो आइए डालते हैं एक नजर खबर पर। प्रवासी मजदूरों के लिए मुंबई के ठाणे रेलवे स्टेशन से इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले मजदूरों को उन्होंने विदा किया। अभिनेता सोनू सूद 18-18 घंटे काम करके प्रवासी मजदूरों की लगातार मदद कर रहे हैं। लोगों की मदद में उनकी टीम भी दिन रात लगी हुई है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सोनू सूद सोमवार को मुंबई से चली एक स्पेशल ट्रेन में प्रवासी मजदूरों को बिठाकर विदा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों को सोशल डिस्टेंस बनाने के बारे में कहा। साथ ही वीडियो में बच्चों और महिलाओं से खाने पीने की व्यवस्था के बारे में भी बात करते नजर आ रहे हैं। सोनू सूद ने यह काम महाराष्ट्र सरकार की मदद से पूरा किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सोनू सूद लोगों से मिलते हैं और अलविदा कहते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वह लोगों से अभी घर जाने और जल्द वापस आने की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में सोनू सूद को लोग शुक्रिया भी कहते नजर आ रहे हैं। वीडियो के आखिरी में वह ट्रेन को रवाना कर रहे हैं। जी का नमस्कार करता हूं। अभी हम लोग के लिए ट्रेन को चलाई है उन्होंने। आपसे चलाए हुए ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं और परिवार से 2-2.5 महीने के बाद मिलेंगे, खुशी होगी। पेपर देने आए थे, यहाँ पे फंस गए थे, सोनू सर की वजह से हम घर पे जा पा रहे हैं। 2 महीने से फंसे हुए थे। ओके ओके, थैंक यू सर। बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं अपने घर को जा रही हूँ। वापस आ रहे हो ना? जल्दी ठीक हो, वापस आओ, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग रखो, आप लोग दूर दूर रखो, अपने हाथ सैनिटाइज कर रखा, अपने खाने का रखा सब अंदर, ठीक है बच्चे आराम से बैठो, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।